एक और नई वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्वेरी जनरेट हुई है आप लोगों की साइड से कि राजविक 79 के आसपास कोई कमर्शियल SEZ या कुछ ऐसा है जिससे यहाँ का रेंटल बढ़े। पहला क्वेरी ये है। दूसरा क्वेरी ये है कि जो SPR रोड है, मतलब एग्जैक्ट जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर ये DLF कॉर्पोरेट ग्रीन आता है, इस रोड से वो लोकेशन एग्जैक्ट कितने किलोमीटर आती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ से, मतलब राजविक से आपका SEZ कितनी दूर आता है। तो अभी मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ, ये 74A है जो सामने आपको दिख रहा है, जिसमें DLF कॉर्पोरेट ग्रीन बना हुआ है। और अगर थोड़ा सा लेफ्ट साइड आपको दिखाऊं, ये वाला जो एरिया आपको यहाँ पे जो बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली बिल्डिंग के अंदर है TCS और दो कंपनीज और हैं। और ये वाली जो आपको बिल्डिंग दिख रही है DLF कॉर्पोरेट ग्रीन, इसमें अभी कंपनीज की लीजिंग चल रही है। और एक जो पीछे वाला टावर आपको अगर दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडिया बुल्स ने ऑलरेडी लीज ले लिया है। आपको यहाँ पे ऊपर मार्केशन भी दिख रहा होगा इंडिया बुल्स का। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, फिर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्म होगा। ये तो देखो, आप पर्सनली कभी भी विजिट करोगे आपको दिख जाएगा, क्योंकि पूरा बोर्ड ही लगा हुआ है इंडिया बुल्स का। तो इंडिया बुल्स ने वो बिल्डिंग एक्वायर कर ली है, वो पूरी बिल्डिंग इंडिया बुल्स ने ले ली है, मतलब मैक्सिमम फ्लोर्स। सो ये दो चीज़ें यहाँ तो वैसे हो गई। तीसरा जो आपका बेसिकली MX का ऑफिस है, यहाँ से आपको दिख जाएगा ये वाला जो ऑफिस बन रहा है, ये वाइट वाला, सबसे आगे तो M3M है, उससे पहले जो ये वाइट वाला बिल्डिंग बन रहा है, ये आपका MX का ऑफिस है, अमेरिकन एक्सप्रेस का, जो उन्होंने लैंड परचेज करी थी। ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ से काफ़ी अच्छा रेंटल आएगा। और प्लस ये जो कंप्लीट लैंड पैच है, ये पूरा, मतलब मैं अगर फ्रंट से दिखाऊं, यहाँ ये एक्सप्रेसवे का पैच है। यहाँ से अब एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है, हम यहाँ से चढ़ें तो डायरेक्ट हम सीधे एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। अभी ये पैच रेडी नहीं हुआ है, बट मैं अभी इसी लोकेशन पे खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ। तो लेफ्ट भी कमर्शियल सेक्टर है, राइट भी कमर्शियल सेक्टर है, और यहाँ पे ऑलरेडी कमर्शियल DLF की बिल्डिंग बनी हुई है। और इसमें मैक्सिमम लैंड जो है वो DLF की है। और अभी MR ने भी यहाँ पे लैंड परचेज करी है, जस्ट MX के अपोजिट साइड, MX का जो ये बिल्डिंग आपको दिख रहा है, इसके अपोजिट साइड परचेज करी है। तो उसका भी मैं आपको अभी वीडियो शो करूँगा, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा डायरेक्ट साइट पे। टोटल एग्जैक्ट किलोमीटर क्या बैठेगा और रास्ता कैसा है अभी जाने का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। किलोमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रिप मैंने जीरो कर लिया है, किलोमीटर आप देख सकते हो 51132 शो कर रहा है। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और आपको लेके चलूँगा डायरेक्ट साइट के ऊपर। यहाँ की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि जो आपके पास रेंटल के लिए जो भी पब्लिक आएगी, वो मैक्सिमम पब्लिक इसी लोकेशन से आएगी, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम पे बहुत है, क्योंकि लैंड अभी खाली है यहाँ पे। और लैंड खाली होने की वजह से यहाँ पे डेवलपर्स के पास, मतलब लैंड खाली इन द सेंस, देखो डेवलपर्स ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है, बट अभी कुछ डेवलप नहीं किया, क्योंकि अभी आपका इसका काम चल रहा था, द्वारका एक्सप्रेसवे का, और इसका काम मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर में ख़त्म हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक। तो उसके बाद ये वाला रोड पूरा, ये वाला पूरा पैच क्लियर हो जाएगा, उसका फ़ायदा आप लोग को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जैसे ये पैच क्लियर होगा, सारे कमर्शियल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो अभी तक रुके हुए वेट कर रहे हैं लोकेशन डेवलप होने का। तो उसका बेनिफिट भी आप लोगों को अच्छा खासा मिलने वाला है। तो अभी अब मैं यहाँ से, मतलब पहला जो क्वेरी था वो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया कि जॉब अपॉर्चुनिटी और जो SEZ है वो सारा इसी लोकेलिटी के पास है। यहाँ से एग्जैक्ट कितना किलोमीटर होता है वो अभी आप देख लोगे, क्योंकि ट्रिप भी मैंने ज़ीरो कर दिया है और टोटल किलोमीटर 51132 है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ गाड़ी और लेके चलता हूँ। अभी देखते हैं कितने किलोमीटर पर आपको जाके राजविक का प्रोजेक्ट मिलता है। सो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से, यहीं से मैं यू टर्न लूँगा और फिर आपको लेके चलता हूँ। अभी रास्ते में उस साइड जाके, कॉर्पोरेट ग्रीन के साइड जाके, आपको मैं ये भी शो कर दूंगा कि बेसिकली इंडिया बुल्स की बिल्डिंग कौन सी है। जैसे कई लोगों को वीडियो में नहीं दिखा होगा, तो अभी मैं अब यहाँ से यू टर्न लूंगा। सामने कट है, ये अभी वैसे टेम्पररी बनाया हुआ है, बट आने वाले टाइम पे यहाँ कोई कट मिलेगा नहीं आपको, ये टेम्पररी बनाया हुआ है, जिससे अभी मैं यू टर्न ले रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे होने वाला है, तो उसकी वजह से इस तरीके से कोई कट नहीं होगा। जो कट बनेंगे वो प्रॉपर इस तरीके से बनेंगे कि आगे से थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा। और ये सामने वाले जो बिल्डिंग है, ये आपके DLF कॉर्पोरेट ग्रीन है। इसके अंदर चीज़ें अच्छी खासी आने वाले टाइम पे आने वाली है, क्योंकि लोकेशन अच्छी है इसकी, मेन रोड के ऊपर है, और जो भी फैसिलिटीज़ मतलब चाहिए होती है एक कंपनी को, कि यहाँ साइड में ऑटो रिक्शा, मतलब जो लेट सपोज कोई बंदा जॉब कर रहा है अगर इस लोकेशन पे, तो उसको चाहिए यही होता है कि मैं ऑटो लेके इजिली पहुँच सकूँ। क्योंकि मैक्सिमम आपको पता है कि मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10-20-30% मैक्सिमम जो आज के टाइम पे बंदे हैं वो शेयरिंग चीज़ों से आते हैं, या तो ऑटो कैब, क्योंकि ट्रैफिक में कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा,
और दूसरी बात ये भी है कि गाड़ी अगर चलाओगे आप तो क्लच ब्रेक क्योंकि ट्रैफिक उतना ज़्यादा है। सो इस वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं ऑटोज प्रेफर करते हैं, नहीं तो कैब्स प्रेफर करते हैं। तो वो सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे है। लेफ्ट साइड में अभी मेरे एमएक्स का ऑफिस जा रहा है, मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाता हूँ। ये वाला जो है ये एमएक्स का ऑफिस है, हाँ ये जो आपको दिख रहा है ये एमएक्स का ऑफिस है। जस्ट इसके रोड की दूसरी साइड एमआर का आपका क्या नाम है लैंड परचेज है, वो नहीं दिखा सकता अभी आपको क्योंकि मेरे राइट साइड में पूरी ग्रीनरी हो रखी है। वो आप साइट विजिट करने आओगे तब मैं आपको दिखा दूंगा, बट अभी वो शो नहीं कर सकता क्योंकि पूरी ग्रीनरी है तो साइड दिखेगा ही नहीं आपका। सो मैंने किलोमीटर वहीं से स्टार्ट किया है जिस पॉइंट पे था मैं, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अगर एसपीआर रोड टू दैट लोकेशन का अगर मैं चेक करूँ सेक्टर 79 राजवीक का, तो ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ वहाँ से यहाँ आने में मुझे 800 मीटर का डिस्टेंस है, 0.8 किलोमीटर। सो अभी अब देखते हैं यहाँ से एग्जैक्ट कितना आएगा। अभी यहाँ से आपको फास्ट फॉरवर्ड होके चीज़ें दिखेंगी, बीच बीच में जब मैं कुछ बोलूँगा उस टाइम पे स्लो मोशन हो जाएगा, नहीं तो बकायदा आपको सारी चीज़ें फास्ट मोशन होकर दिखेंगी क्योंकि यहाँ से जाने में अभी टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 10 to 11 मिनट्स। अब 10-11 मिनट तक मैं भी क्या ही बताऊँ आपको, बट बेसिक चीज़ें देखो आप लोगों को पता है राजवीक के बारे में, जिन लोगों को आइडिया नहीं है दोबारा से मैं बता देता हूँ। राजवीक ग्रुप बेसिकली दो ग्रुप्स को मिलके बन रहा है, मतलब मिलके इन द सेंस एक ओनर जो है उनके वो आरएलएफ के डायरेक्टर हैं और दूसरे जो ओनर है वो बेसिकली पिरामिड के बड़े भाई हैं, मतलब पिरामिड ग्रुप का नाम सुना होगा आपने, उनके बड़े भाई हैं। तो पहले प्लानिंग यही चल रही थी कि ये प्रोजेक्ट आरएलएफ के नाम से लाया जाएगा, बट फिर कुछ उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर उन्होंने कहा नहीं राजवीक के नाम से लेके आते हैं, तो फिर राजवीक के नाम से ये प्रोजेक्ट आ गया। और ये जो रोड है ये बेसिकली आपकी अच्छी खासी चौड़ी रोड है, अभी जितनी बनी हुई है इसका डबल होना है। आपको लेफ्ट साइड में ना एक ब्लू कलर का खंबा दिख रहा होगा, इतना चौड़ा होना है ये रोड, आपको हर जगह ही दिख जाएगा ये ब्लू कलर का खंबा। अब ये देखो ये मारुति का टू व्हीलर का प्लांट है, इसने भी गेट बिल्कुल पीछे बनाया क्योंकि इनके पास मैप होता है, इनके पास परमिशंस अगर लेने जब जाते हैं ये फैक्ट्री बनाने के लिए तो इनको पहले ही बता दिया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ें आने वाली है, तो आप उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना है आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप जब आओगे तो आपको मतलब दिख जाएगी, फिजिकली दिख जाएंगी चीज़ें। सो ये रोड अभी जितना दिख रहा है अभी टू लेन दिख रहा है, ये फोर लेन का रोड बन जाएगा, साथ में सर्विस लेन अलग से होगी। प्लस राइट हैंड साइड पे अभी जो सेक्टर जा रहा है वो हमारे जा रहा है सेक्टर 76, जिसके अंदर अभी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वाइट लैंड का, लो राइज अभी आया था और अब हाई राइज आया है, काफ़ी नाम चला है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बिका भी है। सो ये सेक्टर को अगर मैं बताऊँ तो सेक्टर में इस सेक्टर में दो अफोर्डेबल है, एक सन सिटी का है एक पिरामिड का है, और लग्जरी की बात करूँ तो दो लग्जरी है, एक 9X है एक कोरोना ग्रेसियस है, और कोरोना ग्रेसियस थोड़ी अच्छी बनी हुई है एज कम्पेयर टू 9X। 9X में क्लब हाउस रेडी नहीं किया है, कोरोना में क्लब हाउस छोटा है बट उन्होंने रेडी कर दिया, और 9X में अभी तक रेडी नहीं है, बट फिर भी साइजेस अच्छे हैं 9X के। बट दोनों ही प्रोजेक्ट अभी इस टाइम पे फ्लॉप है क्योंकि डेवलपर कुछ अपनी साइड से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा नहीं पाया इसकी वजह से, क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट अगर लग्जरी प्रोजेक्ट होता है तो उसकी डेफिनेशन अलग होती है, और उन्होंने जिस प्राइस ब्रैकेट पे लॉन्च किया और जो साइज लॉन्च किया था वो लग्जरी ही लॉन्च किया था, बट उनके अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से फंडिंग रुक गई थी, मतलब जो आपको पता होगा जब नोटबंदी हुई थी ना उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी, इस वजह से यहाँ इनकी चीज़ें ख़राब हो गई थी, इसलिए ये प्रोजेक्ट रुका रह गया। बाकी अभी जिस मैं रोड पे चल रहा हूँ आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने ये टू लेन का रोड है और चौड़ा होना है, साइड में ऑलरेडी मार्केशन कर रखी है इन्होंने। और प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, राजवीक में दो ग्रुप है एक आरएलएफ एक पिरामिड। बेसिक डिटेल्स की अगर बात करूँ तो 2 BHK और 3 BHK इसके अंदर आपको मिल सकता है, 2 BHK की कॉस्टिंग है 24 लाख रुपये, 3 BHK आपको 28 लाख रुपये का मिल जाएगा। अब कई लोग बहुत टाइम से ना चीज़ों को ढूंढ रहे हैं कि मुझे अच्छा अफोर्डेबल चाहिए मुझे बेस्ट चाहिए, मतलब काफ़ी सारी उनकी रिक्वायरमेंट है। आई एग्रीड कि देखो अगर आप मैं पैसा खर्च करूँगा तो मैं भी चाहूँगा कि मुझे इसी बजट में मुझे सारी चीज़ें मिल जाए, बट देखो रियलिटी आपको भी पता है कि अगर हम कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं तो हमें कभी भी परफेक्ट चीज़ नहीं मिलती। मतलब मैं सिर्फ घर को लेके नहीं बोल रहा हूँ, फ्लैट को लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर चीज़ को लेके बोल रहा हूँ। आप गाड़ी खरीदने जाते हो उसमें भी आपको परफेक्ट गाड़ी कोई सी नहीं मिलती है, आप फ़ोन खरीदने जाते हो उसमें भी कोई परफेक्ट फ़ोन नहीं होता, किसी का कैमरा अच्छा है तो किसी में कोई ऐप मतलब ऐप सपोर्ट नहीं करता, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से यहाँ भी है कि यहाँ आपको 100% सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, हर किसी को चाहिए कि लोकेशन अच्छी मिल जाए, लोकेशन इसकी बहुत प्यारी है। अब यहाँ पर ये रोड ख़त्म हो जाता है बट यहाँ पर अब ये रोड बन चुका है थोड़े टाइम तक, मतलब अभी थोड़ी दूर तक बना हुआ है। लेफ्ट में जो मेरे एरिया दिख रहा है आपको बना हुआ, ये बेसिकली M3M ग्रुप ने अपना सेल्स ऑफिस रेडी किया है क्योंकि M3M का टाउनशिप आ रहा है ना,
ये रोड भी वही बनवा रहे हैं, ये जो आपको सामने रोड दिख रही है ये भी वही बनवा रहे हैं। राजवी कुछ नहीं बनवा रहा, मैं पहले बता देता हूँ, राजवी एक्चुअली अफोर्डेबल डेवलपर इतने काम नहीं करवाते हैं, ये सारा जो काम है वो सारा का सारा काम करवा रहा है आपका एंथ्रियम ग्रुप। ये रास्ते जो आपको दिख रहे हैं, ये रास्तों पे आई थिंक आप में से बहुत लोग पहले आए होंगे, तो पहले इतना काम था नहीं, अब आप देखोगे बहुत ज़्यादा काम कर दिया है इसके ऊपर। तो आने वाले टाइम पे 3-4 महीने, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, 3-4 महीने के अंदर ये पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रियम का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, 110 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और 110 एकड़ में आपको भी पता है अगर चीज़ें लॉन्च करेंगे तो एक साथ तो एक दिन में बिकेगा नहीं, तो उसके लिए टाइम लगेगा। और वैसे भी वो प्रोजेक्ट का जो प्राइसिंग है उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्लो बिक रहा है, बट बिक जाएगा, क्योंकि उस बजट ब्रैकेट में फिर लोकेशन के हिसाब से कोई चीज़ आता नहीं है। लोकेशन पे बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोकेशन इतनी अच्छी है ना इसकी, मतलब आप इसको एंड्यूज भी कर सकते हो, किस हिसाब से कर सकते हो मैं बता देता हूँ। लाइफ में ना सिंपल सा एक चीज़ आप देखोगे, अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो, गोल्फ कोर्स रोड जिस टाइम पे बन रहा था, मतलब जिस टाइम पे वो डेवलप हो रहा था, लोगों ने क्यों परचेज करा गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, मतलब आपके हिसाब से क्या रीजन रहा होगा आप कमेंट करके बताओ। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ गोल्फ कोर्स रोड पे क्यों लोगों ने सबसे ज्यादा इतना इंटरेस्ट शो किया, और आज जो प्राइस बूमिंग पे है वो क्यों है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी की वजह से। पहला पॉइंट आता है ग्रीनरी, दूसरा पॉइंट आता है कि कनेक्टिविटी। ग्रीनरी हर कोई नहीं दे पाता, क्योंकि ग्रीनरी ऐसा एक एरिया आ जाता है ना जहाँ पे देखो डेवलपर के बस की, तो डेवलपर तो दे ही ना ग्रीनरी, उसको तो चाहिए कि पूरे इलाके में उसका फ्लैट ही फ्लैट। सो डेवलपर के बिहाफ पे नहीं ग्रीनरी नहीं है, वो जो ग्रीनरी है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे है, जो गोल्फ कोर्स रोड के साथ में है, जिसके DLF आज जो पैसे चार्ज कर रहा है, 25-26 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा है वो आपके क्या नाम है कैमेलियाज अरालियाज के लिए। सो उस चीज को अगर देखे तो आने वाले टाइम पे जो ग्रीनरी है वो सारा इस साइड पे हो रखा है। कैसे हो गया, क्योंकि जो 10,000 acres का आपका एरिया है वो सारा इधर है, मतलब 10,000 acres का जो पार्क बनने का गडकरी जी ने बताया है वो इसी सेक्टर में है, सेक्टर 79 के जस्ट बैक साइड पे, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑलरेडी कुछ एरियाज यहाँ पे बनाए हुए हैं उन्होंने, अंदर की साइड अगर आप जाके देखोगे तो ऑलरेडी कुछ एरियाज बने हुए हैं, जिसको आज के टाइम पे लोग लेपर्ड ट्रेल के नाम से जानते हैं। आप यूट्यूब पे डालोगे लेपर्ड ट्रेल, आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, मतलब पर्टिकुलर सेक्टर मत डालना, सिर्फ लेपर्ड ट्रेल डालो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी लेपर्ड ट्रेल का क्या है। वो जस्ट अपनी 79 के बैक साइड पे आ जाता है, सो उसका बेनिफिट आज भी लोग उठा रहे हैं, क्योंकि लेपर्ड ट्रेल ऐसा है कि लेपर्ड ट्रेल में आप आज भी जाओगे, रोड्स काफ़ी अच्छी रोड्स बना रखी हैं, और ग्रीनरी तो इतनी है कि किसी को फील ही नहीं होगा वो कहाँ है। अब देखो मैं रोड की बात कर रहा था, राइट साइड में आप देखो बजरी लगी हुई है, ये कल बजरी ये नहीं थी, मैं कल भी आया हूँ इधर, बट कल ये नहीं लगाया हुआ, आज कर दिया है। अब आने वाले टाइम पे मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने ये पूरा रोड पैच क्लियर कर देंगे, क्योंकि एंथ्रियम को भी अपना प्रोडक्ट बेचने की जल्दी है। वो लोग आप भी समझ सकते हो, क्योंकि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जैसे लेट्स सपोज एंथ्रियम ने 110 एकड़ का लैंड परचेज किया है, अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो ये आगे कैसे और काम करेगा। सेम कॉन्सेप्ट हर बिल्डर करता है कि पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसको सक्सेसफुली उसको सोल्ड आउट करता है, फिर वो अगले प्रोजेक्ट की साइड मूव करता है। सो थोड़ा सा कैमरा ज़्यादा शेकी होगा, क्योंकि ये रास्ता आपको दिख ही रहा है कैमरा पे किस तरीके का है, सो कैमरा थोड़ा सा शेकी होगा, बस इसको मैनेज कर लो। ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने, 3 महीने में ज़्यादा कह रहा हूँ, एंथ्रियम जिस स्पीड से काम कर रहा है ना इस पे, मेरे हिसाब से तो महीने के अंदर कर देगा, मतलब विद इन 15 डेज कर देगा ये काम, क्योंकि कल मैं आया था तो कल ऐसा कुछ भी नहीं था, और आज ये काम है। अब मैं देखो दो तीन, अगर लेट सपोज प्रोजेक्ट 22 को नहीं आता, 22 की अभी प्लानिंग है कि 22 या 23 को लॉन्च कर देंगे, अगर 1% 22 या 23 को नहीं आता तो फिर आपको मैं उसके बाद की दिखाऊंगा कि उसके बाद क्या काम हुआ है, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ एंथ्रियम का काम करने का तरीका। अब ये देखो आप, यहाँ JCB खड़ी है ऑलरेडी पहले से, और ये रास्ता यहाँ पानी है, ये तो फिल हो जाएगा, थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे ना कच्चा पक्का कर रखा है, क्योंकि अभी ये बना रहे हैं इसकी वजह से। लोकेशन में कोई कमी नहीं है कहीं से भी, किसी का कोई डाउट हो ना आप लॉन्चिंग से पहले कॉल करो, कंसल्ट करो, क्योंकि लॉन्चिंग के दिन क्या होता है ना, मैं इन रियल बता देता हूँ आपको, हमारे पास जो बिल्डर डेवलपर टाइम देता है ना वो कहता है 2-3 घंटे 4 घंटे, मतलब जब तक उसकी जितनी बुकिंग्स है ना उतनी बुकिंग्स नहीं आ जाती तब तक वो हमें हमारा पे आउट देता है, उसके बाद फिर वो हमारा पे आउट बंद कर देता है। आपको ही पता है जब पे आउट बंद हो जाएगा तो कोई फिर काम ही नहीं करता उसके ऊपर, मतलब ये
ये स्ट्रैटेजी होती है डेवलपर की, क्योंकि प्रोजेक्ट भी ऐसा प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट अच्छा लोकेशन है, प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और ऑनलाइन फिल हो रहा है, तो डेवलपर को भी पता है कि अगर लेट्स सपोज ब्रोकर हेल्प ना करे, वैसे तो कोई डेवलपर ऐसा सोचता नहीं है, हर कोई चाहता है कि नहीं यार आज अगर मैं ब्रोकर को हटा दूंगा बीच से तो कल तो मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा 90% ऑफ द डेवलपर ऐसा सोचते नहीं है। बट फिर भी मैं 1% की बात करता हूँ, अगर कोई सोचता है कि मतलब बीच से ब्रोकर को हटा दें तो वो ब्रोकरेज देता ही नहीं है। बट यहाँ पे डेवलपर हमें कुछ पे आउट दे रहा है, इसकी वजह से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। और बहुत लोग सोचते होंगे कि 1%, 2%, 3%, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपली जो वो हमें प्रोवाइड कर रहा है 1% से लेस, आधे परसेंट का प्रोवाइड कर रहा है, और आधा परसेंट भी मतलब सारे लेआउट्स पे नहीं है। वो मैं देखो कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता यूट्यूब पे, आपको पता है, क्योंकि अगर मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा तो डेवलपर का मेरी साइड से थोड़ा सा आप समझ सकते हो सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं डाली जाती है, तो वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा सिस्टम। तो इसमें मैंने बस वही बताया आपको कि 1% भी हमें नहीं मिलता है, अफोर्डेबल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो डेवलपर भी उतना एफर्ट नहीं डालता अपनी साइड से और कोई ब्रोकर भी उतना एफर्ट नहीं डालता, क्योंकि टाइमिंग का क्या होता है ना इसमें, टाइमिंग बहुत कम मिलती है आपको। अब लेट सपोज मैं आपको बोलूँ कि एज अ ब्रोकर मैं आपको मैं कहूँ कि आप ब्रोकर हो, अब मैं आपको 3 घंटे का टाइम दूँ, अब 3 घंटे में आपको ही पता है आप मैक्सिमम कितने एप्लीकेशन करवा लोगे, 10 से 20 एप्लीकेशन, तो उतने में उससे ज़्यादा किसी एक ब्रोकर का हो ही नहीं पाता है। कभी कभी अगर चांस अच्छा हुआ, टाइम अच्छा चल रहा हो, तो 2-3 घंटे से ज़्यादा 5-6 घंटे कर देते हैं वो, बस 5-6 घंटे के बाद फिर वहाँ पे वो स्टॉप लगा देते हैं। मतलब कभी कभी होता है ऐसा जिसकी लोकेशन थोड़ी सी ऑफ होती है, बट ये लोकेशन को देख के तो मेरे हिसाब से ये 24 घंटे भी नहीं चलने वाला। बाकी देखते हैं क्या रिस्पांस आता है, वैसे रिस्पांस अभी काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि मैंने कल स्टेटस लगाया था और अभी तक मेरे स्टेटस पे नियर अबाउट 31 से 32 मेरे पास KYC रिसीव हो गए हैं, मेरे पास पर्सनली मैं अपनी बता रहा हूँ। अब 31 से 32 KYC रिसीव होने से मतलब नहीं होता, सिर्फ एक टाइमलाइन होता है हमारे पास, उसके अंदर अप्लाई करने का होता है। अगर उसके अंदर अप्लाई हुए तभी वो मेरे काम के होंगे, नहीं तो फिर इन जनरल हो जाएगा वो। सो अब देखते हैं कि एग्जैक्ट नंबरिंग क्या होती है। बाकी ये रोड्स आप देख रहे हो, मैं राइट साइड से आ रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे भी इससे ज़्यादा काम हो गया है, बट लेफ्ट साइड पे मैंने चढ़ाया नहीं। अब यहाँ से फिर पक्का रोड स्टार्ट हो जाता है। अब ये हम ऑलरेडी सेक्टर 79 में एंटर कर चुके हैं, ये एंट्री हम ले लिया हमने 79 के अंदर, ये हम आ चुके हैं 79 सेक्टर के अंदर। कैमरा ब्लरी हो रहा है, पता नहीं बार बार कैसे, एक बारी मैं देखूं कैमरे को क्या इशू आ रही है। कैमरा हो गया, अब सही हो गया कैमरा। लेफ्ट साइड में जो ये इतनी बड़ी वॉल सी कर रखी है ना, ये M3M ग्रुप ने की हुई है, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट है उसकी मार्केटिंग सारी एंट्री भी यहीं से बनाई हुई है M3M ने बेसिकली। मतलब राजवीक तक भी जाना है तो आपको एंट्री मेन यहाँ से भी ले सकते हो, उसके तो 2-3 रास्ते हैं राजवीक तक पहुँचने के, वो तो आने वाले टाइम पे आप लोग देख ही लोगे रास्ते कैसे कैसे हैं। अभी मैं यहाँ तक आने का मैं एग्जैक्ट अगर बताऊँ तो 6.5 है, जिसमें से 0.8 किलोमीटर जो है वो बेसिकली आपका मेन जहाँ पे DLF कॉर्पोरेट ग्रीन है वहाँ से उस पॉइंट तक, उस टर्निंग पॉइंट तक आने का है। सो अभी मैं आपको यहाँ मीटर दिखा देता हूँ, मीटर डायरेक्ट आपको राजवीक चल के दिखाता हूँ। अभी मैंने वैसे आपको बता दिया 6.5 किलोमीटर है, वो आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि नीचे गाड़ी की टोटल डिस्टेंस आ रही थी, टोटल कितनी चली है और अभी कितनी चली है, वो भी मैं अभी आपको राजवीक के साइड पे चल के दिखा देता हूँ डायरेक्ट, उससे जो भी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन जो है उसका जवाब भी मैं दे दूंगा अभी। लोकेशन ऑलरेडी यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, लोकेशन डेवलप्ड है। अब मतलब ये बेसिकली सेकंड क्वेश्चन जो है उसी का आंसर दे रहा हूँ। अप्रोच रोड आप लोग देख रहे हो किस कंडीशन में, वहां से भी बन रही है। पहले अगर कोई आया होगा 79 सेक्टर तो उसने देखा होगा पहले ये भी नहीं था। पहले क्यों नहीं था, क्योंकि पहले जो डेवलपर आए थे वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके आए थे, तो वो उनको जरूरत नहीं थी, वो NH8 का रास्ता दिखा के इसको इजिली बेच चुके हैं ऑलरेडी। बट M3M को रास्ता SPR रोड का नहीं, सॉरी NH8 का नहीं दिखाना है इसको, उसका दिखाना है SPR रोड का, सदर्न पेरिफेरल रोड का रास्ता दिखाना है, उसकी वजह से ये इतनी एफर्ट डाल रहा है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट बड़ा है। और सामने जो आपको ये बिल्डिंग छोटी सी बनती हुई दिख रही होगी ना, ये M3M का सैंपल फ्लैट बनने वाला है, कुछ टाइम में रेडी हो जाएगा। बाकी लोकेशन तो आप देख ही रहे हो, हम एंटर कर चुके हैं M3M की टाउनशिप में, मेरे राइट में भी M3M है, लेफ्ट में भी M3M, ये जो लैंड है कंप्लीट ये M3M की लैंड है। अभी बोर्ड भी लगे हुए थे यहाँ पे, बट जो MCG होती है उसने ये सारा हटा दिया है, मतलब बिकॉज ऑफ हिज कॉन्शियंस, उसका भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट उन्होंने सारा ये बोर्ड फाड़ दिया है।
लेफ्ट में भी लैंड एमसीएम की है, राइट में भी एमसीएम की है। लेफ्ट में अभी प्रोजेक्ट गोदरेज का चल रहा है, गोदरेज 1-on-1, और उसके आगे गोदरेज के आगे जो प्रोजेक्ट है वो आपका क्या नाम है, सुपरटेक है। सुपरटेक का नाम तो आई थिंक 99% लोगों ने सुना होगा। सुपरटेक बहुत मतलब नाम तो अच्छा कमाया उसने, भले से दुआएं कमाई ना कमाई बट नाम तो अच्छा कमाया उसने। उसकी वजह से लोकेशन भी, मतलब लोकेशन तो उसकी वजह से नहीं चमकी बट हाँ रियल एस्टेट में कह सकते हैं बहुत लोगों ने एंथ्रेम का नाम सुना, सॉरी सुपरटेक का नाम सुना होगा। अब हम ऑफिशियल जो एंट्री है एंथ्रेम की वो यहाँ से है। अब देख लो आप गार्डन किस तरीके से ये लोग बना रहे हैं। मतलब अगर कोई मार्केटिंग करना सीखे ना तो एंथ्रेम से सीख सकता है कि पहले लोकेशन डेवलप करो फिर ये काम फिर वो काम। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अब मेरे लेफ्ट में भी राइट में भी दोनों साइड आपके एंथ्रेम की टाउनशिप चल रही है, दोनों साइड एंथ्रेम की टाउनशिप है। और जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये 24 मीटर रोड होगा जो आज भी है और आने वाले टाइम पे भी होगा। आने वाले टाइम पे क्यों होगा, क्योंकि ये 24 मीटर का रोड है और ये गवर्नमेंट के मैप में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको मेंटेन, देखो मेंटेन का क्या होता है ना, इसको मेंटेन कोई भी कर सकता है बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसको मेंटेन करेगा एंथ्रेम ग्रुप, क्योंकि एंथ्रेम लग्जरी प्रोडक्ट बेच रहा है और लग्जरी का आपको पता होगा, लग्जरी में सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि उसको मेंटेन रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मेंटेन सिर्फ अपने अपने आगे रखेगा, उसको पूरा लोकेशन ही डेवलप रखना, मेंटेन रखना पड़ेगा। क्योंकि पूरी लोकेशन की, अगर एक मैं नॉर्मल सी बात बताऊँ तो पूरी लोकेशन की आने वाले टाइम पे जो पहचान होगी ना वो एंथ्रेम के नाम से ही होगी, क्योंकि एंथ्रेम का इतना बड़ा लैंड पैक उन्होंने एक्वायर कर लिया। अब ये जो सामने बोर्ड दिख रहा है ना, जस्ट इसकी बैक साइड पे राजवीक का लैंड है। अभी यहाँ से टर्न लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, एक मिनट, ये जो आपको सामने देखो ये बोर्ड दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, राइट साइड पे ये जो छोटा सा फटा हुआ सा बोर्ड दिख रहा है ना, ये वाला बोर्ड है, ये एंथ्रेम का बोर्ड है इस साइड पे, सॉरी राजवीक का बोर्ड है। अब ये अपना है राजवीक का लैंड जस्ट एंथ्रेम के अपोजिट। ये 24 मीटर रोड अभी की, अभी तो कंडीशन देखो आपको ही पता, अभी तो बन ही नहीं सकती। अभी क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि अभी का सीन ऐसा है कि अभी ट्रक्स आ रहे हैं, हैवी हैवी मशीन्स आ रही है, इसकी वजह से नहीं बनेगी। बट आने वाले टाइम पे जब सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, मतलब आपकी प्रॉपर्टी से पहले इनका प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगा और रेडी टू डिलीवर भी हो जाएगा, क्योंकि इनको पोजीशन देना होता है 2 साल के अंदर। बट एंथ्रेम का जो रिकॉर्ड है, जो 89 में ये कर रहे हैं, वो 2 साल से भी पहले पोजीशन दे देंगे। सो अगर उस चीज़ को देखें तो उस चीज़ के हिसाब से चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी साइट के ऊपर, ये वाली जो लैंड है ये अपना एंथ्रेम का, सॉरी राजवीक का लैंड है, ये लैंड राजवीक का है। अभी यहाँ पे देखो पब्लिक भी खड़ी है, ये लैंड राजवीक की लैंड है। सो ये दो क्वेरी थी जो हो गई आपकी क्लियर। अब टोटल किलोमीटर आप लोग देख सकते हो कितना है, ट्रिप भी 8 किलोमीटर टोटल चले हैं, जिसमें 0.8 किलोमीटर आप, मतलब 1 किलोमीटर आप मान सकते हो उस लोकेशन से है, मतलब जहां मैं खड़ा था। तो मोस्टली अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो एग्जैक्ट यहां तक आने का एसपीआर रोड से 7 किलोमीटर एग्जैक्ट है, 7 किलोमीटर, जिस 7 किलोमीटर में आपको पूरा डेवलप्ड मिलेगा। और 7 किलोमीटर भी मैं बिल्कुल अंदर तक बता रहा हूं, बिल्कुल साइड तक, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर तो अभी अंदर ही मैंने घूम लिया क्योंकि सेक्टर रोड है। बाकी उस हिसाब से ये जो सामने मिल रहा है आपको, ये भी सेक्टर रोड है जो डायरेक्ट फ्रंट वाली रोड पे आपको मिल जाएगा। ये आपका बेस्ट है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी शो कर दिया। ये इसका कंप्लीट लैंड पैच है, ये पीच वाला पार्ट। इसके लेफ्ट में जो है वो आपका अदर डेवलपर है, मतलब अदर डेवलपर इन द सेंस M3M है। और इसके इस साइड जो लैंड है, मतलब उस ब्लू वाली टिन शेड के उधर, वो भी M3M। सो कम्प्लीटली ये प्रोजेक्ट का सिंपल सा है, सराउंडेड बाई 110 acres ऑफ टाउनशिप बाई M3M ग्रुप। M3M ग्रुप का आप लोग को पता ही है, कोई हल्का ग्रुप नहीं है। और आने वाले टाइम पे M3M का नाम अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी ऐसी लोकेशन पकड़ रहे हैं जहाँ पे आने वाले टाइम पे डेवलपमेंट भी है, स्कोप भी है, सारी चीज़ें। सो अगर चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हैं। अब आपको मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल लेयर।